100% हमें उम्मीद थी, क्योंकि हमारी सरकार की जो अच्छी गुड गवर्नेंस, अच्छी योजनाएं, प्रभारी मंत्री जी का अच्छा सुपरविजन मॉनिटरिंग, प्रभारी महामंत्री जी अजय माकन जी का, और राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से देश में मोदी जी और उसकी सरकार को किसानों के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे जो एक्सपोज करने का काम किया है, चाइना जो कब्जा किए बैठा है उसको एक्सपोज करने का काम किया है, उससे हर कार्यकर्ता में जोश है और जनता ये जान चुकी है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है और जनता के मुद्दों से सरोकार रखती है। आज भी सिलेंडर के भाव और बढ़ गए, पेट्रोल डीजल रोजाना बढ़ ही रहा है, तो मैं समझता हूँ ऐसे में ये जो वोट तीसरे चौथे पे गए, मेरे को तो ये है कि और ज़्यादा लोग खड़े होते तो ये लास्ट वाली उस पर होते पायदान पे। तो सत्ता और संगठन का बेहतर तालमेल, पूरे राजस्थान के तमाम नेता कार्यकर्ता एकजुट थे, अच्छी सरकार की गुड गवर्नेंस थी, और मोदी सरकार की विफलताएं जिसको राहुल गांधी जी ने पूरे देश में एक्सपोज कर दिया, उन सब की ताकत के कारण से हम लोग यहाँ पर भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीते। वो सत्ता में तब हारे थे और आज विपक्ष में तब भी हारे हैं, तो ये सबक ये लेना है इनको कि इनको भाजपा का राजस्थान में कुछ रखना है, नाम नहीं रखना है, ये लेना सबक इनको। जब आप विपक्ष में हो तब भी हार रहे हो, आप सत्ता में हो तब भी हार रहे हो, तो फिर आप खड़े क्यों हो रहे हो? आप जनता के मुद्दे, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी नेता जनता के बीच में नहीं जाएगा, ट्विटर खेलेगा, बनने से पहले मुंगेरलाल के हसीन सपने देखेगा मुख्यमंत्री बनने के, उनके यही हाल होने भाई।